नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले 2022 और 23 में किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लवड़ नदी के नाम से जानी जाती है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लूनी नदी। लूनी को लावणवरी या लवणवती के रूप में भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है नमक नदी। इसके पानी की उच्च लवणता के कारण लूनी, जो कि एक प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो राजस्थान के अजमेर जिले में 772 मीटर की ऊंचाई पर नागा पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी नदी। गोदावरी जो कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं और यह पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है और यह 1465 किमी लंबी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किमी में फैला है। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीस्ता। जो तीस्ता नदी है यह सिक्किम में हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने से पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और यह भारत में सबसे तेज बहने वाली नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को साझा करने को लेकर विवाद है और भारत नदी के पानी के 55% हिस्से का दावा करता है, जबकि बांग्लादेश उससे अधिक हिस्सा चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश की वर्तमान हिस्सेदारी भारत की तुलना में कम है। अगला, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। राइट आंसर जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी, गंगा और महानदी। भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, ये तीन नदियाँ हैं और डेल्टा भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता हेरोडोटस को माना जाता है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मपुत्र। माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोग रहते हैं और यह असम राज्य में स्थित है और अपने आप को एक जिला है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लूनी। भूमि बंधित की बात करें तो नदी लूनी नदी है, जो अजमेर में अरावली की पहाड़ियों और राजस्थान से निकलती है और कच्छ की खाड़ी गुजरात में मिलती है। इसकी विशेषता है कि इसका जल पहाड़ी क्षेत्र में मीठा और निचले क्षेत्रों में खारा है। अगला, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काली नदी। काली नदी, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह अपने ऊपरी मार्ग पर एक नदी नेपाल के साथ भारत की निरंतर पूर्वी सीमा बनाती है, जहां इसे महाकाली कहा जाता है। अगला, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह लगभग 1465 किमी की दूरी तय करती है और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग की ओर बहती है, यह लगभग 2525 किमी की दूरी तय करती है। अगला, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है और इन नदियों के नाम है सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी।
गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंदरी शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी, जिसे सात सहायक नदियों के कारण सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल से निकलती है और बिहार की ओर बढ़ जाती है, जहां यह दक्षिण पूर्णिया से गंगा में मिल जाती है। कोसी लंबे शहर से अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए विख्यात रही है, जिसके लिए नदी की बड़ी स्थलाकृति को जिम्मेदार ठहराया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज का चिमा युंगडुंग ग्लेशियर है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक, और रंगो ताक्सगो तिब्बत में इस नदी की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है और यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है और यह पद्मा नदी में विलीन हो जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी। गोदावरी नदी को अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में इसके बड़े आकार और क्षेत्र के कारण वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तापी। तापी जो कि पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है और यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुलताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और यह भारत की उन प्रमुख नदियों में है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, और अन्य जो नदियां हैं नर्मदा नदी और माही नदी। अगला, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघना। मेघना जो कि बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है और मेघना नदी की सहायक नदियां पूर्वी भारत के पहाड़ों से निकलती हैं और दक्षिण पश्चिमी बहकर इसमें जुड़ती है। मेघना की मुख्य धारा बराक मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा माना जाता है और इसकी लंबाई प्रायः 2880 किलोमीटर है और यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है और नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। अगला, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। नदी चीन, नेपाल और भारत में बहती है और यह गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी बनाती है और यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला, भागीरथी अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवप्रयाग। देवप्रयाग जिसे पंचप्रयाग की सूची में एक है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं मिलती हैं और उसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग के प्रमुख स्थलों में से एक है रघुनाथ जी का पवित्र मंदिर। अगला, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है और इसे विनाशकारी बाढ़ के कारण यह नाम दिया गया है। दामोदर नदी की बात करें तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगला, निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? बताना है इस किसका उद्गम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सतलज। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से, जहाँ इसका स्थानीय नाम लोगचेन खम्बाब है। यह उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम सतुर्दी है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली पांचों नदियों में से सबसे अधिक है और यह पाकिस्तान में होकर बहती है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने जितने भी 40 टॉप 40 क्वेश्चन लिए हैं नदियों संबंधित, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा गया दोस्तों, और आने वाले कोई भी एग्जाम हो सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। पहले इसे पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब दामोदर और उसकी सहायक नदियों को कई बांधों के निर्माण के साथ कुछ हद तक उपयोगी किया गया है, और यह भारतीय राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला, बेतवा नदी मिलती है, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी यमुना से। जो बेतवा है एक उत्तर भारतीय नदी और यमुना की एक सहायक नदी है, और यह नदी मध्य प्रदेश और होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य रेंज में निकलती है, और संस्कृत में बेतवा को वेत्रवती कहा जाता है, और नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, और फिर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर शहर के पूर्व में यमुना नदी में मिलती है। अगला, भारत की निम्न नदी में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और पश्चिम से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम से बहने वाली कई नदियां जैसे नर्मदा, तापी, पेरियार आदि दरार वाली घाटियों से गुजरती हैं, और इन नदियों में बहुत कम मात्रा में सक्रिय दरारें होती हैं, और उनकी तेज गति कारण वे डेल्टा नहीं बना सकती हैं। अगला, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सोन नदी। सोन नदी जो कि यमुना नदी में नहीं मिलती है, चंबल नदी जो कि यमुना नदी की मुख्य दक्षिणी सहायक नदी है, और मध्य प्रदेश में चंबल की मुख्य सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती एवं सिंध है, और सोन नदी उत्तर दिशा में बहती हुई पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अगला, छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चंबल नदी। छिप्रा नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी की उत्पत्ति जनपाव में होती है, और यह मालवा पठार पर स्थित है, और उज्जैन जो कि छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। तो बता दें कि जो बंगाल की खाड़ी है वो 21,72,000 किमी स्क्वायर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, जिसमें सबसे बड़ी गंगा नदी तथा उसकी सहायक पद्मा एवं हुगली, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी जमुना एवं मेघना के अलावा अन्य नदियां जैसे इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां सागर से संगम करती हैं। अगला, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर जगह प्यारे दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। बात करें सुंदरवन की, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। अगला, निम्न में से किस नदी में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी नदी। कोसी नदी जो कि अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, और भारत के अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोन नदी। सोन नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, और यह गंगा से सीधे पटना बिहार में मिलती है। अगला, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी, जो कि भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, और नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं, ये बात याद रखिएगा। ताप्ती जो कि बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। अगला, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और यह किस में जाकर समाप्त हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। हिमालय की बात की गोद यानी गंगोत्री से ग्लेशियर से निकलकर गंगा नदी गंगा सागर में जाकर समंदर में मिलने से पहले करीब 2,500 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगला, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा। बता दें कि पद्मा जो कि बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है, और यह गंगा की मुख्य सहायक नदी है, जो आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी के साथ 120 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और राजशाही शहर इस नदी के किनारे स्थित है, और पद्मा नाम भागीरथी नदी भारत के उठान बिंदु के नीचे गंगा के निचले हिस्से को दिया गया है। अगला, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदी
कहाँ से निकलती हैं, इन तीनों नदियों को कहाँ से निकलती हैं? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक शिखर जो कि मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है और यह अनूपपुर जिले यानी मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यहीं से नर्मदा नदी, सोन नदी, वैनगंगा, महानदी, जोहिली, लावा नदी निकलती हैं। अगला, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोमुख से। जो भागीरथी है वो गोमुख स्थान से 25 किमी लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं और यह स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है। यह समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिकेश से 70 किमी दूरी पर स्थित है। अगला, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश से होकर, जो तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कर्नाटक तथा तमिलनाडु। बता दें कि जो पानी के बंटवारे का विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, लेकिन कावेरी बेसिन में केरल और पुडुचेरी के कुछ छोटे छोटे इलाके भी इसमें शामिल है। कावेरी जो कि एक अंतर्राज्यीय नदी है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। आपको बता दें कि लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किमी है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई केवल 916 किमी है। और यदि हम भारत के भीतर किसी नदी द्वारा तय की गई कुल दूरी विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2510 किमी है और भारतीय उपमहाद्वीप की दो प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु कुल लंबाई में गंगा से लंबी हैं। अगला, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों गोदावरी। गोदावरी नदी जो कि हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा जिसे रीवा भी कहा जाता है और जिसे पहले मध्य भारत में नेरबुद्दाई नदी के रूप में जाना जाता था, भारतीय महाद्वीप की छठी सबसे लंबी नदी है और यमुना नदी के बाद मध्य भारत की सोन नदी गंगा की दक्षिण सहायक नदियों का दूसरे सबसे बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों ये थी आज नदियां, भारत के प्रमुख नदियों की टॉप 40 क्वेश्चन। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।